हम लोग इक्विपमेंट सिलेक्शन का बारे में, उसमें इस टॉपिक में, इस यूनिट में हम लोग लास्ट टॉपिक के एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर सिस्टम, राइट। सो एप्लीकेशंस में हमारा क्या होता है, एप्लीकेशंस में हमारा क्या रहता है, राइट। इसमें हमने देखते हैं, पहले एप्लीकेशन है आइस प्लांट, नेक्स्ट एप्लीकेशन है वाटर कूलर, नेक्स्ट एप्लीकेशन है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोरेज, राइट। सो हम लोग जनरली हम लोग बात करते हैं आइस प्लांट के बारे में, वाटर कूलर के बारे में, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में, कोल्ड स्टोरेज के बारे में हम बात करते हैं, राइट। इसमें बात करने से पहले हमने वीसीआर सिस्टम को जो है ऑलरेडी हमने इक्विपमेंट सिलेक्शन का पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ वीसीआर में हमने बताया है, राइट। सेम प्रिंसिपल इसमें यूज़ करते हैं हम। इसमें बात करते हैं आइस प्लांट सिस्टम, ये है हमारा आइस प्लांट, राइट। ये है हमारा आइस प्लांट, ये देखिएगा यहाँ पे हमारा फर्स्ट हमने देखते हैं एवापोरेटिव कॉइल्स, कहाँ पे है हमारा एवापोरेटिव कॉइल्स, ये है हमारा एवापोरेटिव कॉइल्स, ये है हमारा एवापोरेटिव कॉइल्स। नेक्स्ट क्या है, कंप्रेसर, कंप्रेसर कहाँ पे है, दिस वन, दिस इज एन ए कंप्रेसर, दिस इज एन ए कंप्रेसर। नेक्स्ट क्या है, तीसरे नंबर मोटर, मोटर हमारा कहाँ पे है, तो ये है हमारा मोटर। नेक्स्ट फोर्थ वन, फोर्थ वन हमारा क्या है, सक्शन लाइन, ये जो है हमारा, ये हमारा सक्शन लाइन है, ये हमारा सक्शन लाइन है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा सक्शन लाइन हो गया, नेक्स्ट हमारा डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन कौन सा है, ये है हमारा डिस्चार्ज लाइन। नेक्स्ट कंडेंसर, कंडेंसर कहाँ पे है, ये है हमारा कंडेंसर। नेक्स्ट ये है हमारा सेवन रिसीवर एंड इट इज एन एट ड्रायर, और स्ट्रेनर भी बोल सकते हैं, इट इज एन एक्सपेंशन वाल्व, नाइन्थ नंबर। टेंथ नंबर इट इज एन ए आइस कैंस, इट इज एन ए ब्राइन टैंक, ब्राइन टैंक। इलेवेंथ वन इज इट इज एन ए ब्राइन टैंक, इट इज एन ए हमारा ब्राइन, जिसको हमने इसको ब्राइन करके भी हम लोग इसको खा सकते हैं, राइट। ये है हमारा आइस प्लांट, ये है हमारा आइस प्लांट का हमारा कंस्ट्रक्शन का, राइट। इसको हमने देखते हैं इसमें हमारा क्या होता है, सपोज दिस इज द हाउ इट विल बी फंक्शनिंग, व्हाट इज द प्रिंसिपल दे आर यूजिंग, दिस प्रिंसिपल इज वीसीआर सिस्टम ओनली, दिस प्रिंसिपल इज ओनली वीसीआर सिस्टम, राइट। देयर इज नो अदर प्रिंसिपल, राइट। इसमें हमारा क्या होता है, राइट, हम बात करते हैं इसमें हमने क्लीन वाटर इज टेकन फ्रॉम द गैल्वनाइज्ड कैंस व्हिच आर प्लेस्ड इन ए ब्राइन टैंक, जो हमारा ग्लैनोनाइज्ड टैंक्स जो है हमारा, ये टैंक्स में हमारा क्लीन वाटर ले लेते हैं हमने, कि क्लीन वाटर उसमें हमने भरते हैं, ये क्लीन वाटर इसमें क्या होते हैं हमने भरते हैं इस पर, राइट। एंड देन ब्राइन एक्ट एज ए सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आर NaCl आर कैल्शियम क्लोराइड, तो क्लोरिशियम क्लोराइड में यूज़ कर सकते हैं हमने, NaCl यूज़ कर सकते हैं हमने, कैल्शियम क्लोराइड भी हमने इसको यूज़ कर सकते हैं। कूलिंग कॉइल्स आर एवोपरेटर कॉइल्स आर वूंड अराउंड द कैंस विच कैरी द रिफ्रिजरेंट इन दम, तो क्या होते हैं हमारा जो रिफ्रिजरेटर का जो हमारा इसमें जो रहते हैं उसको पूरा हमने राउंड अप करके रहते थे, तो कूलिंग कॉइल्स के बीच में हमने ये रहेगा, तब क्या होगा ये जल्दी हमारा हीट, ये एवोपरेटर कॉइल्स ये सारा कुछ हमारा वाइंड अप करके रहते हैं हमने, उसमें हमारा टैंकी को हमने बैठ सकते हैं, मीन्स जो टैंकी का कुछ कुछ जगह में क्या होता है टैंकी का सराउंड में हमने कर देते हैं, नहीं हो तो ये एवोपरेटर कॉइल्स ऐसा करके भी हमने रहते हैं, राइट, वुंड अप करके भी हमने रहते हैं, द ब्रेन वुंड करके भी रहते हैं, द ब्रेन इन द टैंक की चिल्ड टू अबाउट -10 degrees बाय द रिफ्रिजरेंट। क्या होते हैं हमने पहले जो एवोपरेटर कॉइल था वो हीट दे देते हैं हमारा ब्रेन सॉल्यूशन को, जो हमारा नमक डाले, नमक का सॉल्यूशन डाले हैं, कोई भी सॉल्यूशन हमने डाले हैं, इस पर हमारा फाइले इसमें इंक्लूड हो जाता है, राइट। ये फाइले, ये जो ब्रेन सॉल्यूशन है ये ठंडा होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट बोलते हैं, जिसका वजह से क्या होता है हमारा ये जो हमारा कैंस का जो वाटर में अपने डाला है वो उसका बाद उसमें हमने ये हम उसमें ठंडा होते हैं हमारा कैंस में, राइट, कैंस में हमारा ठंडा होते हैं, राइट। जी वेपराइजर रिफ्रिजरेंट फ्लोज टू द कंप्रेसर वेयर इट इज कंप्रेस्ड एंड डिलीवर्ड टू द कंडेंसर एंड फ्लोइंग वेपर कंप्रेशन साइकिल। सो ये जो है हमारा यहाँ पे इसको देखते हैं हमने पहले फंक्शन से हमने देख के आते हैं, यहाँ पे हमारा सक्शन प्रेशर आ रहा है, राइट, यहाँ से हमारा सक्शन प्रेशर आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे क्या होगा हमारा लिक्विड, सॉरी वेपर यहाँ पे हमारा रहेगा, वेपर हमारा एंट्री हो रहा है, वेपर रिफ्रिजरेंट यहाँ पर एंट्री हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा हाई प्रेशर,
हाई टेम्परेचर के रूप में ये चेंज हो रहा है। हाई टेम्परेचर है रूप से यहाँ पे कंडेंसर पे जा रहे हैं, कंडेंसर लिक्विड स्टेट में कंडेंसर लिक्विड रिफ्रिजरेंट इज कलेक्टेड, ये जो है हमारा कंडेंसर में क्या हो रहा है, यहाँ हीट लॉस हो रहा है। क्या होगा, हाइयर टेम्परेचर का जो हाइयर प्रेशर था वो वेपर था वो लिक्विड रूप में हमारा कन्वर्ट है, लिक्विड रूप में कन्वर्ट कर रहा है। उसके बाद में हमारा क्या है, जो लिक्विड रूप में कन्वर्ट हो गया है ये हमारा रिसीवर टैंक पे आ रहा है, रिसीवर टैंक पे हमारा आ रहा है। तो रिसीवर टैंक का फंक्शन क्या है, जो जितना अमाउंट ऑफ हमारा लिक्विड रिफ्रिजरेंट होगा हमने उसको उतना हमारा कलेक्ट कर लेते हैं। तो लिक्विड हमारा जो लिक्विड रिफ्रिजरेंट होगा उसमें कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट इट विल भी क्या होगा हमारा, देन इट विल भी फ्लोस थ्रू स्ट्रेनर, फ्लोस थ्रू स्ट्रेनर। स्ट्रेनर का काम क्या है, जो भी हमारा मॉइस्चर कंटेंट है, जो भी अनवांटेड का जो भी अगर वाटर पार्टिकल जो भी अगर मिला हुआ है इसमें से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो हम लोग ड्रायर्स के बारे में पढ़ा है, वो तो वहाँ पे स्ट्रेन ड्रायर करके भी पढ़े हैं, यही चीज़ हमने यहाँ पे देख रहे हैं इसी प्लांट में। सो मैं एवापोरेटर का इस वीडियो में हम लोग देखे हैं एवापोरेटर ड्रायर्स का टाइप में, उसमें स्ट्रेनर टाइप का ड्रायर को देखे है, यहाँ पे स्ट्रेनर टाइप का ड्रायर लगा हुआ है। यहाँ पे कोई भी मॉइस्चर कंटेंट होगा यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जो भी मॉइस्चर कंटेंट जो है हमारा एक्सपेंशन वाल में नहीं जाएगा, ये है मेन हमारा। सो देन द एक्सपेंशन वॉल क्या करते हैं, हमारा प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। एक्सपेंशन वॉल क्या करते हैं, हमने प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं। जब प्रेशर को हमारा रिड्यूस कर दिया है तो लो प्रेशर लिक्विड रिफ्रिजरेंट कीप्स ऑन फॉलोइंग इन द एवापोरेटर कॉइल ऑब्जर्व द हीट फ्रॉम ड्रेन सॉल्यूशन। जहाँ पे हमारा ये जो कॉइल्स हमारा लगा हुआ है कूल किया हुआ है कैंप्स को, ये जो है हमारा ब्रेन सॉल्यूशन जो है इससे हम ब्रेन सॉल्यूशन के हीट ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लिक्विड रिफ्रिजरेंट था ये, इसका जो है एवापोरेशन का जो हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है बहुत कम रहता है, ऑटोमेटिकली 40 डिग्री से अगर निकल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली वेपर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये वेपर हो जाएगा। तो यहाँ से वेपर हमारा लो प्रेशर वेपर जो है हमारा इसमें से हमारा कन्वर्ट होके निकलता है, कन्वर्ट होके हमारा निकलता है। ये है हमारा वेपर रिफ्रिजरेंट का, ये आइस प्लांट रिफ्रिजरेंट इन सॉरी एप्लीकेशन ऑफ ECR सिस्टम का हमारा आइस प्लांट में हमने देखे है। बट इसमें अगर चिल्ड ब्रेन एक्सट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द वाटर इट कंटेंस अंटिल द वाटर फ्रीजेस इनटू आइस। ये क्या करते हैं, हमारा जो ब्रेन सोल्यूशन है जो हमने क्लीन वाटर इसमें डाला है, जब तक आइस नहीं बनेगा तब तक जो है वो ठंडा करते रहेगा, क्योंकि ऑपरेटर कॉइल तो पूरा हम नहीं लगा सकते हैं, कहीं एक बॉटम में हमने लगा देंगे, लेकिन ये पूरा सॉल्यूशन में डुबा के रहेगा, ये द एंड ऑफ द कैंस, एंड ऑफ द कैंस तक हमने डुबा के रहेगा। कैंस आर स्लाइटली टैपर्ड सो दैट आइस ब्लॉक कैन बी ईजिली रिमूव बाई सिंपली रैपिंग आर शेकिंग देम। तो क्या होता है, अगर ये आइस कैंस हमारा टैपर का वजह से रहता है, टैपर रहेगा तो क्या होगा, तो हमारा ग्लासेस वगैरह क्या होते हैं टैपर रहता है, कोई भी उसमें डालेंगे आइस वगैरह खींचने में आसानी रहता है। सो वेदर रैपिंग का वजह से नहीं होगा तो शेकिंग हिलाने से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। अल्टरनेटिव द कैंस आर लिफ्टेड आउट इन ए ब्रेन टैंक आफ्टर द आइस फॉर्मेशन आर प्लेस्ड इन टू हॉट वाटर कॉल्ड ए थावींग टैंक। जो अगर आइस बन गया तुरंत हमें इसमें निकालना है तो पॉसिबल नहीं, इसलिए थोड़ा सा लिटिल बिट हॉट वाटर जो भी रहता है वो टैंक पे जाते हैं, उसको टाविंग टैंक करके हमने कहते हैं, वो टैंक में हमने डुबा के इसको रखते हैं थोड़ा देर के लिए। बाय टाविंग ऑपरेशन आइस ब्लॉक सर कैन बी ईजली रिमूव। सो टाविंग ऑपरेशन उसका थ्रू क्या होते हैं, हमारा ईजली हम लोग इसको रिमूव कर सकते हैं, ईजली हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इंटरप्ट द एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आइस रेंडर इज मिल्की अपीयरेंस। सो अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमने उसमें मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, वो आइस हमको मिल्क अपीयरेंस दिखते हैं, मिल्क अपीयरेंस हमारा दिखते हैं उसको। हेड टू प्रोड्यूस द ट्रांसपेरेंट एंड गुड क्वालिटी आइस केमिकली ट्रीटेड प्योर एंड क्लीन वाटर टू बी यूज। अगर गुड ट्रांसपोर्ट मैंने आप क्लियरेंस का आइस और यहाँ से हमको देखे दूसरा हमको देखना है तो ऐसा होगा, तो हमारा प्योर वाटर अगर यूज करें तो आपका क्या होता है, हमारा प्योर वाटर यूज़ करेंगे तो हम लोग ने उसमें हमने देख सकता है कि हमारा टोटली इट विल बी ट्रांसपेरेंट मीन्स टोटल प्योर हमारा अदरवाइज उससे क्या है वो आइस ब्लॉक से भी हम लोग देख सकते हैं, आइस ब्लॉक से हम लोग देख सकते हैं। ये है हमारा आइस प्लांट, ये है हमारा आइस प्लांट। आइस प्लांट के बारे में हम लोग पढ़े हैं राइट, ये है इन आइस प्लांट का कंस्ट्रक्शन एंड हाउ इट विल बी वर्क्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, हमने नेक्स्ट हमने
करते हैं वाटर कूलर, राइट। वाटर कूलर का फंक्शन क्या होता है, राइट। हम लोग लैबोरेटरी में भी हम लोग देखे हैं वाटर कूलर टेस्ट रिट, राइट। वाटर कूलर टेस्ट रिट भी है, आइस प्लांट टेस्ट रिट भी है हमारे लैबोरेटरी में। तो वाटर कूलर टेस्ट रिट में हमारा क्या होता है, वाटर कूलर के टेस्ट रिट में हमारा ये हम लोग देख सकते हैं। वाटर कूलर टेस्ट रिट में इट इज़ ए स्टोरेज टाइप वाटर कूलर, ये जो है हमारा स्टोरेज टाइप का, जो भी वाटर कम को करना है वो स्टोरेज टाइप का है। तो इसमें हमने देख सकते हैं, हमने पहले हमने देखते हैं वाटर फ्रॉम मेंस, जो भी हमारा वाटर जो आना चाहिए यहाँ से हमारा वाटर आ रहा है पहले। देन एवोपरेटर कॉइल्स, ये जो है हमारा ये सारा कुछ हमारा एवोपरेटर कॉइल्स है। नेक्स्ट इट इज एन ए सक्शन लाइन, सक्शन लाइन हमारा कहाँ है, ये है हमारा सक्शन लाइन, ये है हमारा सक्शन लाइन, राइट। सेकंड वन इज हमारा सक्शन लाइन करके हम लोग इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट ये है हमारा सक्शन लाइन, देखिएगा ये है हमारा सक्शन लाइन, सॉरी ये है हमारा सक्शन लाइन। नेक्स्ट हमने देखते हैं हीट एक्सचेंजर, थर्ड वन हीट एक्सचेंजर कहाँ पे है, यहाँ पे हीट एक्सचेंजर हमारा लगा हुआ। फोर्थ वन इज़ हमारा कंप्रेसर, ये है हमारा कंप्रेसर, राइट। एंड फिफ्थ वन इज़ कंडेंसर, ये है हमारा कंडेंसर। एंड देन सिक्स्थ वन इज़ हमारा रिसीवर हो सकते, राइट, स्ट्राइनर हो सकते, रिसीवर हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेवन्थ वन इज़ कैपिलरी ट्यूब, ये है हमारा कैपिलरी ट्यूब, राइट। नेक्स्ट वन इज कैपिलरी ट्यूब एंड डिस्चार्ज लाइन। एंड देन एट वन इज थर्मोस्टैट, तो एट वन इज़ हमारा ये थर्मोस्टैट लगा हुआ है यहाँ पे। एंड स्टोरेज टैंक, ये है हमारा स्टोरेज टैंक, तो पूरा जो है हम लोग इसको स्टोरेज टैंक करके इसको जो है हमने स्टोरेज टैंक करके हमने इसको ला सकते हैं। नेक्स्ट टेंथ वन इज इंसुलेशन किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा कूलिंग वाटर आउट, यहाँ पे हमने देख सकते हैं कूलिंग वाटर आउट है। वेस्ट वाटर ड्राइंग, यहाँ पे हमने क्या सकते हैं, कोई भी वेस्ट वाटर है ये वेस्ट वाटर हमने निकालना के लिए। नेक्स्ट क्या है हमारा वॉश बेसिन, जो ये होगा वाटर यहाँ पे हमारा कलेक्ट होता है। सी ये भी वाटर कूलर है, ये भी हमारा प्रिंसिपल यूज़ करते हैं VCR सिस्टम का, ये VCR सिस्टम का ही प्रिंसिपल इसमें यूज़ होते हैं। तो ये VCR सिस्टम में प्रिंसिपल में हमारा क्या होते हैं, राइट, हम बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ वाटर कूलर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल विल बी यूज VCR सिस्टम। इवेपोरेटर कॉइल आर कॉइल इज रैप्ड अराउंड द स्मॉल स्टोरेज टैंक विच रेफ्रिजरेंट लिक्विड इज सर्कुलेटेड। सो यहाँ पे देखते हैं ये सारा कॉइल्स, यहाँ पे देखिएगा ये सारा हमारा कॉइल्स है, ये स्टोरेज टैंक के थ्रू हमने बांध दे देते हैं, वो राउंड अप करके हमने रखते हैं, राइट। ये रिप्रेजेंट जनरली हम लोग ने R134 नवे डेज यूज़ कर रहे हैं, गोल्डन डेज में हम R12 यूज़ कर सकते हैं, राइट। इट क्या होता है, इट एब्स्ट्रैक्ट द हीट फ्रॉम द वाटर एंड एवोपरेट वाटर इज कूल्ड अबाउट, हमको जितना डिग्री चाहिए, मे बी 10-12 डिग्रीज चाहिए, 13-14 डिग्रीज चाहिए, मे बी 7 डिग्रीज चाहिए, 10 डिग्रीज का चाहिए, क्या होगा ये वाटर हमारा कूल होता है, क्या होगा था ये कूलिंग कॉइल का हमारा ऑपरेटर कॉइल का ये हीट अब्जॉर्व कर लेते हैं, अब्जॉर्व करके हमारा ये कूल हो जाता है। जितना हमारा 7 डिग्रीज को ज़्यादा देर हमारा चलाएगा तो 7 डिग्रीज 6 डिग्रीज 5 डिग्रीज का भी वाटर हमारा कूल हो जाता है, राइट। सो देन इट विल बी सक्ड बाय, जो ये एवोपरेटर कॉइल से हमारा हो गया है तो वेपर रेफ्रिजरेंट बन गया, तो यहाँ पे हमारा कंप्रेसर में वापस जाता है, कंप्रेसर में हमारा क्या होता है वापस आ जाता है। ये हमारा वाटर कूलर का ये हमारा कंप्रेसर में वापस आ जाता है। देन हम लोग ने दिस उसके बाद में क्या होते हैं हमारा प्रेशर बना देते हैं, हाई प्रेशर का हाई टेम्परेचर हो जाता है। इट्स में भी ड्रिवन बाई बेल ड्राइव और डायरेक्ट कपूल और डायरेट में भी हम लोग कंप्रेसर में पढ़े हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप्स के बारे में, एरोमेटिक सील कंप्रेसर के बारे में, ये सारा बारे में हम लोग इसमें पढ़े हैं, राइट। इसमें हम लोग इसको इस तरीका से हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं, हमने ये एवोपरेटर है, ये हम सॉरी ये हमारा कंडेंसर है। तो कंडेंसर का पास में जाएगा, कंडेंसर में क्या होगा हमारा कंडेंसेट लिक्विड स्टेट जो है हमारा वेपर स्टेट में जो रेफ्रिजरेंट था वो लिक्विड स्टेज में हमारा कन्वर्ट कर देते हैं, लिक्विड स्टेज में हमारा कन्वर्ट कर देते हैं। ये है हमारा स्ट्राइनर जो है ड्रायर, क्या होगा कोई भी मॉइस्चर कंटेंट है यहाँ पे हमारा निकाल देते हैं, कोई भी मॉइस्चर कंटेंट होता है क्या होगा यहाँ पे हमारा निकाल जाता है। तो यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, तो क्या होगा हमारा मॉइस्चर कंटेंट निकल गया, उसके बाद हमारा
कैपिलरी ट्यूब में जाता है, उसके बाद हमारा कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। कैपिलरी ट्यूब में फंक्शन क्या है, इट विल बी रिड्यूस द प्रेशर, इट विल बी रिड्यूस द प्रेशर, सो इट विल रिड्यूस द प्रेशर राइट। क्या होता है हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है एक्सपेंड टू द लोअर प्रेशर, इट फ्लोज थ्रू द कैपिलरी ट्यूब और लोअर प्रेशर सर्कुलेट्स टू द इवापोरेटर कॉइल। इवापोरेटर कॉइल में हमारा ये पूरा चला जाएगा लो प्रेशर लिक्विड का, यहाँ पे वो वेपराइजेशन हो जाएगा राइट। यहाँ पे हमने देखे है सक्शन लाइन एंड कैपिलरी ट्यूब बॉन्डेड एट वन पॉइंट, देयर इज अ हीट एक्सचेंजर राइट। रिलेटिवली हॉट रेफ्रिजरेंट लॉसेस हीट टू वेपर इन सक्शन लाइन राइट। क्या होगा हमारा यहाँ पे हमारा वेपर था, यहाँ पे कूल था राइट, यहाँ पे हमारा कूल था, यहाँ पे क्या होगा एक हीट एक्सचेंजर हमारा लगा हुआ है, इसको थोड़ा वेपर वाला को जो है हमने टेम्परेचर को हमने घटा लेंगे, यहाँ पे ये हीट एक्सचेंजर भी यूज़ कर सकते। क्या होगा हमने जो हमारे यहाँ पे कंडेंसर का हमारा लोड कम होते हैं, कंडेंसर का हमने लोड जो है हमारा कम होते हैं, तो क्या होगा हमारा जो वेपर कंटेंट था, वो वेपर कंटेंट था हमारा, वो वेपर का जो है हमने जो क्या करते हो हार्ड हमारा क्या होगा वेपर कंटेंट था उसको थोड़ा सा लिक्विड में बना दो, क्योंकि लिक्विड में बनाए तो उतना नहीं है, उसका टेम्परेचर घटेगा राइट। उसका टेम्परेचर हमारा घटेगा इस पर, इसका टेम्परेचर हमारा घटेगा तो क्या होगा कंप्रेसर में हमारा वो है वेपर का, वेपर का हमारा क्या होगा तो हमारा इसमें लिक्विड रेफ्रिजरेंट बनाने में हमारा आसानी रहेगा कंडेंसर पे। स्टोरेज टैंक कैन बी प्रोवाइड विद इंसुलेशन ऑल अराउंड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट, क्योंकि यहाँ पे देखे हैं हमारा पूरा इंसुलेशन बना हुआ है। ये इंसुलेशन का काम क्या है, जो भी इसका कूल्ड है वो कूल्ड को बाहर नहीं देने, एटमोसफियर में नहीं देने राइट। ये हमारा काम करते हैं कूल्ड का हमने यूज़ करते हैं। ये फ्लोट वॉल कीप चेक ऑन द लेवल ऑफ द वाटर इन द टैंक, थर्मोस्टैट कंट्रोल्स द टेम्परेचर ऑफ द कूलिंग कॉइल राइट। यहाँ पे हमने देखते हैं कूलिंग कॉइल का, ये है हमारा कूलिंग कॉइल, इसमें ये थर्मोस्टैट का फंक्शन क्या है, ये टेम्परेचर को हमारा कंट्रोल कर रखता है, आपको 13 डिग्री रखना है, 14 डिग्री रखना है, जब तक हमारा अगर सर्टेन टेम्परेचर रीच हो गया तो क्या होगा हमारा ये हमारा थर्मोस्टैट जो है ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाएगा तो क्या होगा हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाएगा तो हमारा क्या होगा कंप्रेसर हमारा बंद हो जाएगा तो हमारा इसमें जो रहेगा जो कंप्रेसर बन जाएगा तो वाटर ऐसे ही कूल करके रहेगा। जब वाटर का अगर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो फ्रेश वाटर तुमने ले लेते हैं मेन से तो ऑटोमेटिकली इट विल बी ऑन, ऑटोमेटिकली इट विल बी ना ऑन कंडीशन पे रहता है। तो यहाँ भी देखिएगा हमारा वाल्व है, कभी भी तुम्हारा वाटर का अगर ज़रूरत नहीं है तो वाल्व बंद कर देंगे, हमको कंटिन्यूशन फ्लो चाहिए तो क्या करेंगे हमारा वाल्व को हमेशा वाल्व खोल के ही रखेंगे राइट। वाल्व खोल के ही रखेंगे हम इसको हमें यूज़ कर सकते हैं, ये वाटर जो है हमारा पीने में यूज़ कर सकते हैं राइट। ये हम वाटर हमने जो है पीने में यूज़ कर सकते हैं राइट। यहाँ से हमारा ड्रेन पाइप लगा हुआ है, ये ड्रेन पाइप आउटसाइड में कहीं की ड्रेन लाइन में हमारे ड्रेनेज में कनेक्ट कर देंगे, नहीं तो कहीं भी वहाँ पे पानी नहीं गिरना है इसके जैसे हमने देखते हैं। आप लोग कभी वाटर कूलर देखते हैं, ये नीचे में हमारा कंडेंसर कंप्रेसर एक्सपेंशन वाल सब कुछ नीचे रहता है, ऊपर में हमारा पानी का लाइन रहता है। हमारे लेबोरेटरी में भी ये वाटर कूलर में ऐसा ही है, हमारा ऊपर में हमारा जो है इसका हमारा रहेगा कूलर का वाटर कूलिंग का जो स्टोरेज टैंक के सारा ऊपर में रहेगा, नीचे पे हमारा ये रहेगा माने कंप्रेसर रहेगा एवोपरेटर रहेगा ये सारा कुछ उस पर रहता है। स्टूडेंट्स ये है हमारा वाटर कूलर। हम लोग लास्ट पिछले हमने एग्जाम्स में मीन्स आप जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स में पूछे हैं हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द वाटर, सो यहाँ पे हीट रिजेक्टेड वाटर में क्या होता है एमसीपी इंटू T2 माइनस T1 द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मास फ्लो कितना मास हमने भेजा है, नेक्स्ट हमने इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। इनिशियल टेम्परेचर हमने 30 डिग्री हो गए, फाइनल टेम्परेचर हमारा जो 16 डिग्री से 17 डिग्री से उसमें हमारा हो सकता है। ये है हमारा वाटर कूलर का बारे में। सो चलते हैं हमने नेक्स्ट बात करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर राइट। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हम बात करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में इट इज सिंपल राइट। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हम देखते हैं हमने देखे हैं कंप्रेसर है कंडेंसर है एक्सपेंशन वाल्व है इवापोरेटर है। सो एक्सपेंस कंप्रेसर से हमारा कंडेंसर में जाएगा, कंडेंसर से हमारा एक्सपेंशन डिवाइसेस पे आएगा, नेक्स्ट हमारा इवापोरेटर के पास में हमारा आते हैं राइट। ये है हमारा इवापोरेटर का बारे में। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में आप लोग देखिएगा ये है हमारा कंप्रेसर
राइट, ये है हमारा कंडेंसर, ये है हमारा रोटामीटर आपको फ्लो मेजर करने के लिए, ये है हमारा एक्सपेंशन डिवाइस कैपिलरी ट्यूब और थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एवोपरेटर है। तो जनरली हम लोग ने लेबोरेटरी में जो था यहाँ पे हमारा एवोपरेटर प्रेशर मीन्स सक्शन लाइन का प्रेशर कितना है, डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर कितना है, कंप्रेसर, ये दोनों इंडिकेटर हमारा लगा के रहेगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर कोई भी कस्टमर से उस पर हमारा रहता है। उसके बाद ये भी हमारा इनलेट का हमारा कंडेंसर टेम्परेचर कौन सा है, टी सी ओ मीन्स आउटलेट का हमारा कंडेंसर टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे टी ए मीन्स एवोपरेटर का इनलेट टेम्परेचर कितना है, एवोपरेटर का आउटलेट टेम्परेचर कितना है, इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें हम लोग ने इसको देख सकते हैं राइट। यहाँ पे हम लोग कंडेंसर को देख सकते हैं, हमने यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे हमारा फैन लगा हुआ है, इट इज आर्टिफिशियली कंडेंसर करके हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो जनरली हमें डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में हम बात करते हैं, तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में हम बात करने से तो हमारा ये है हमारा घर में तो जो भी रहता है सब कुछ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का। तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का हमारा इसमें हमने देखते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हमारा पहले फ्रीजर रहता है, उसके बाद लाइट वेट वाटर रहता है, नीचे हमारे वेजिटेबल्स के देते हैं, डोर में भी हमारा कूलिंग रहता है। क्या होता है अंदर में हमारे एवोपरेटिंग कॉइल्स जो है ज़्यादा हमारा वाइंडिंग करके रहता है राइट, एवोपरेटर कॉइल्स भी हमारा वाइंडिंग करके अंदर पे रहता है, वो हमको दिखेगा नहीं राइट, उसमें से हमारा प्रोडक्ट जो है कूल्ड होते हैं राइट। क्यों वेजिटेबल्स को हम लोग नीचे पे देना है, वेजिटेबल्स को हमारा क्यों देना है, ये हमारा जो है वेजिटेबल्स को हम लोग देने से क्योंकि उतना हम लोग इसमें हम लोग उतना हम लोग कूलेंट नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं उस पर हमने कम करके हम लोग उस पर रखते हैं, कम करके उसको हम लोग में इसको रखते हैं राइट। हम लोग उसको डिटेलली हम लोग डिस्कस करेंगे, ये तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए वीसीआर सिस्टम में कैसे जाता है, कंप्रेसर से कंडेंसर में, कंडेंसर में हमारा एक्सपेंशन वाल्व होकर, एक्सपेंशन वाल्व होकर हमारे एवोपरेटर, एवोपरेटर में डिफरेंट, यहाँ पे 8 वाल्व करके हमने मेंशन किया है। ये कोई भी हमारा प्रोडक्ट्स चाहिए वो हमारा इसमें हमें यूज़ करते हैं राइट। ये नेक्स्ट हमने इसमें टोटल डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो जनरली द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड फॉर डीफॉरेस्टिंग, तो डीफॉरेस्टिंग के लिए हम लोग क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। डीफॉरेस्टिंग इज स्टॉपिंग यूनिट राइट, स्टॉप करके भी हम लोग ने डीफॉरेस्ट कर सकते हैं। स्टॉप द यूनिट, कीप डोर ओपन एंड चिल ट्रे मस्ट बी केप्ट इन डीफॉरेस्ट पोजिशन टिल डीफॉरेस्टेशन टेक प्लेस। जब हम डीफॉरेस्ट कर दिया है तो उसके नीचे हमने कोई भी ट्रे रख देना है, चिल ट्रे जो ट्रे में रखना है, क्योंकि पानी जो है डीफॉरेस्ट होता है। अपने घर में अगर फ्रिज है उसका हम लोग बंद करके देख सकते हैं वो फ्रिज का हमारा निकलते रहेगा राइट। टाइमर डीफॉरेस्टिंग, सो हम लोग बंद करने वाला भी रहता है, टाइमर डीफॉरेस्टिंग रहता है। द मोस्ट पॉपुलर डीफॉरेस्ट सिस्टम इज हाउस होल्ड रेफ्रिजरेटर इज ए क्लॉक टाइमर डीफॉरेस्ट साइकिल। द नंबर ऑफ डीफॉरेस्ट पीरियड वेरियस फ्रॉम 1 to 4 इन 24 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइमर यूज। द टाइमर कंटेंट्स इनिशिएट एदर द डीफॉरेस्ट साइकिल और कूलिंग साइकिल। द टाइमर इज इन द कूलिंग साइकिल, द थर्मोस्टेट कंट्रोल ऑन ऑफ पीरियड्स ऑफ द कंप्रेसर। इन द टाइमर इज इन द डीफॉरेस्ट साइकिल, थर्मोस्टेट कैनॉट टर्न द कंप्रेसर ऑन। इन अदर वर्ड, थर्मोस्टेट हैज नो कंट्रोल ऑन द कंप्रेसर इन द डीफॉरेस्ट टाइमर इन द डीफॉरेस्ट पोजिशन। द डीफॉरेस्ट साइकिल टर्मिनेट्स अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स आफ्टर बींग टर्न ऑन राइट। द डीफॉरेस्ट हीटर इज वाइड इन सीरीज विद द बायोमेटल थर्मोस्टेट हूज कॉन्टैक्ट विद द ओपन सम प्री डिटरमाइंड टेम्परेचर देयर बाय डिस्कनेक्टिंग द हीटर। द लेंथ एंड टाइम इज टेक्स इज फॉर द कॉन्टैक्ट ऑफ बायोमेटल थर्मोस्टेट टू ओपन डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ डीफॉरेस्ट ऑन द एवोपरेटर। तो ये टाइमर के डिफॉरेस्ट में हम बात करते हैं कि टाइमर डिफॉरेस्ट में हमारा क्या होता है। टाइमर डिफॉरेस्ट में हमें बात करने से तो ये टाइमर डिफॉरेस्ट में हमारा टाइम चेक करके तो टाइमर अंदर ही रहता है, इसका टाइमर अंदर में अगर 24 अंदर में हम डिफॉरेस्ट करना है तो 24 हमारे अंदर में डिफॉरेस्ट इसको कर सकते हैं राइट। तो वर्ष हमने इसको कर सकते हैं राइट, वो टाइम के अनुसार से हम लोग इसमें यूज होते हैं, टाइमर के अनुसार से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। हम बात करते हैं क्या क्या हम लोग ने रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं तो हम लोग क्या क्या उसको करना है, कौन सा करना है। डूस आर डोंट्स, द रेफ्रिजरेटर शुड बी प्लेस्ड अवे फ्रॉम द हीट सोर्स सच एज सन रेज, हीटिंग अप्लायंस, कुकिंग गैस और एक्सेट्रा। सो रेफ्रिजरेटर जो भी हमारा रहता है सनराइज से दूर रहना है, हीटिंग अप्लायंस से दूर रहना है, कुकिंग गैस से हमारा दूर रहना है।
इंस्टॉल द रेफ्रिजरेटर अवे फ्रॉम वॉल एटलीस्ट 1 फुट विच प्रोवाइड्स गुड एयर सर्कुलेशन ओवर कंडेंसर। तो क्या है, हमारा कंडेंसर बैक साइड में हमारा होम रेफ्रिजरेटर को रहता है, होम रेफ्रिजरेटर को हमने उसको हमने कम से कम 1 फीट का दूरी अगर रखने से, ये कूल कंडेंसर है इसलिए वो जल्दी हमारा कूल होता है, क्योंकि जहाँ पे हमारा दरवाजा खिड़की रहता है ना तो विंडोज रहता है उसका नज़दीक में रखने से हमारा अच्छा होता है। कंडेंसर जो है ज़्यादा हमारा लोड कंडेंसर पे नहीं पड़ेगा, वो एयर का ये नेचुरल कूलिंग सिस्टम है, इसी की वजह से पूरे जितना एयर हमने जाएगा उतना हमारा घुसता। हार्ड फ्लूइड शुड नॉट बी कैप्ट इन द रेफ्रिजरेटर, सो कोई भी गर्म चीज़ें से रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है। अगर उसको रखेगा ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर तुम्हारा कोल्ड इनसाइड का जो कोल्ड लोड जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा हमारा ये जो है हमारा कंप्रेसर में लोड पड़ जाता है। कीप डोर ओपनिंग सेट मिनिमम, सो मिनिमम जो है हमारा जितना बार 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 ओपन करके तो अंदर में प्रोडक्ट को कभी कूल नहीं होगा, ये करना है। स्ट्रांगली फ्लेवर्ड फूड मस्ट बी केप्ट रैपर्ड, जो भी हमारा फूड है अगर गिरने वाला है कुछ पॉइजन मीन से वो कुछ दिक्कत है उसमें हम लोग ने रैपिंग करके अंदर रखना। वेजिटेबल्स फ्रूड शुड बी केप्ट इन ए पॉलिथिन बैग बिफोर प्लेसिंग इन टू देयर रेफ्रिजरेटर, जो कोई वेजिटेबल्स है फ्रूट्स है हम लोग अगर पॉलिथिन बैग में रखता है तो पॉलिथिन कवर क्या होगा उसको तो जल्दी खराब नहीं होते, तो जल्दी हमारा खराब नहीं होते। क्लीन द सॉफ्ट क्लॉथ, नो सोप डिटर्जेंट शुड बी यूज, हमारा क्या होता है क्लीन क्लॉथ यूज करके हम लोग का करना है, कोई भी सोप और डिटर्जेंट हम इसको यूज नहीं करना है, इसमें कोई डिटर्जेंट हम लोग इसको सोप यूज नहीं करना है। क्लीन विथ ए सॉफ्ट क्लॉथ एंड नो सोप डिटर्जेंट शुड बी यूज, दीज आर द डूस एंड डोंट्स वाइल यूजिंग द रेफ्रिजरेटर, डूस एंड डोंट्स वाइल यूजिंग द रेफ्रिजरेटर, ये याद करना बच्चों लोग। ये कोई भी रेफ्रिजरेटर आपका घर पे हो ये सब आपको करना है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है इसमें आपको मेंशन किया हुआ है। राइट, नेक्स्ट, हमने हॉलीडेज में अगर कहीं भी हमको जाना है तो रिमूव एवरी स्टोर्ड आइटम्स इंक्लूडिंग आइस ट्रेस, जो अगर हमको कहीं भी अगर जाना है तो कहीं भी हम लोग किसी घर जा रहा है तो हम लोग को क्या करना है, रिमूव कर देना है, रिमूव हम लोग को कर देना है, ट्रेस जो भी ट्रेस होगा वो सारा हम लोग रिमूव कर देना है। नेक्स्ट हमारा डीफॉरेस्ट रेफ्रिजरेटर, डीफॉरेस्ट कर देना है, क्योंकि अगर डीफॉरेस्ट नहीं किया होगा वो आइस जो भी जमा हुआ है हमारे रेफ्रिजरेटर में वो पूरा हमारा जो है पानी के रूप में हो जाएगा, पूरा पानी भर जाएगा। मेक रेफ्रिजरेटर ड्राई, सो कहीं भी हॉलीडे जाना है आपको पूरा ड्राई करके जाएगा तो तुम्हारा अंदर में जो फंगस है वो कुछ नहीं होगा। डिस्कनेक्ट द 3 पिन प्लग, जो भी हमारा प्लान डिस्कनेक्ट द 3 पिन प्लग, जो भी हमारा प्लग रहता है उसको हमारा डिस्कनेक्ट कर देना है। लीव द डोर स्लाइटली ओपन फॉर मूवमेंट ऑफ फ्रेश एयर, सपोज आपने थोड़ा सा कूल हल्का सा कूल कर रखेगा तो जो फ्रेश एयर है वो जाएगा अंदर में आएगा। अगर आपने डोर खोल के अगर नहीं रखते हैं, सपोज आप 10 दिन अगर घर में अगर खोल के आपने चला गया तो इसमें हमारा क्या होता है, हमारा तो क्या होता है अंदर में फंगस जमा हो जाता है, राइट, बैक्टीरिया जमा हो जाता है। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं हमने फिर आने के बाद हमारा काला कलर का दिखते हैं, ब्लैक कलर का दिखते हैं, ब्लैक स्पॉट्स दिखते हैं, फिर अगेन हम लोग को उसको साफ करना पड़ता है। तो कोई भी अगर हॉलीडेज में जाता है हमारा फ्रिज को घर पे इस तरीक़ा से हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारा फ्रिज को हम लोग ने अच्छे से सुरक्षित से रख सकते हैं। राइट, नेक्स्ट, कैसे हमारा स्ट्रिक्ट करना, हम घर से फिर हॉलीडे से हम वापस आ गया तो हमने कैसे आया था, क्लीन द रेफ्रिजरेटर, फर्स्ट आपने जो भी होगा क्लीन कर दीजिए अंदर में रेफ्रिजरेटर को एंड आपने कनेक्ट कर दीजिए प्लेट को, लोड द रेफ्रिजरेटर ऑफ द टेम्परेचर एज ए स्टेबलाइज, तो ठीक है टेम्परेचर अगर स्टेबलाइज होने तक आपको तो कोई भी जो है मत रखिएगा, वो थोड़ा सा 12 आवर्स नहीं तो 6 आवर्स थोड़ा कूल होने के बाद कोई भी प्रोडक्ट से उसको बाद में अपने रखिएगा। अगर पहले से हमने रख देते हैं, पहले से अगर हम लोग रख देते हैं तो उसमें हमारा क्या होगा, उसमें हमारा क्या होता है अगर हमने पहले से रखते हैं तो वो अगर कूल होना है उसके बाद में ये वाला प्रोडक्ट को भी अपना कूल करना है, ये वाला प्रोडक्ट को भी हम लोग इसको कूल करना है। अगर ये प्रोडक्ट हमने कूल नहीं करते हैं तो हमारा ये इसमें जो है टाइम ज़्यादा लग जाता है, वो भी कूल होना है प्रोडक्ट को भी कूल करना है, इसमें हमारा क्या होता है टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये है हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। लास्ट टॉपिक हमने चलते हैं उसमें हमने देखेंगे कोल्ड स्टोरेज। राइट, कोल्ड स्टोरेज का हमने बात करते हैं। राइट, कोल्ड स्टोरेज में हम लोग क्या होते हैं, कोल्ड स्टोरेज में हमारा क्या होते हैं, कोल्ड स्टोरेज असल किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग ने, तो कोल्ड स्टोरेज इसलिए यूज़ करते हैं हमने
प्रिजर्वेशन ऑफ पेरिशेबल्स सच एज ए फिश, मीट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। कोई भी फिशेस होते हैं हमारा, कोई भी हमारा फिश होते हैं, कोई भी मीट होते हैं, या तो कोई भी फ्रूट्स होते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स रहते हैं, तो ये सारा को हमने इसको करके रखते हैं राइट। सारा इसको हमने कूल करके रखते हैं राइट। हम लोग भी एक विजिट है, उसमें भी हम लोग जा सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज में क्या क्या फंक्शन कैसे करते हैं हम लोग बात कर सकते हैं राइट। हम लोग इसमें बात करेंगे द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज एज सोन एज दैट मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन सिस्टम सेम एज मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन दैट इज कंप्रेसर, कंडेंसर, रिसीवर, ऑपरेटर एंड देन एक्सपेंशन, ऑल दीज आर द कॉमन कॉम्पोनेंट्स राइट। And the cold storage space to be refrigerated, the components of the refrigeration house in the room adjacent to storage are downstairs। क्या होता है ये स्टोरेज है, यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट्स रहता है यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं हमने इस पे हमने रखते हैं कोल्ड स्टोरेज पे राइट। कोल्ड स्टोरेज मीन्स द रिफ्रिजरेंट फ्लोइंग इन द सिस्टम कीप्स द एवापोरेटर कॉइल कॉइल कूल। वार्म एयर ड्रॉन फ्रॉम द स्पेस टू बी रिफ्रिजरेटेड इज ब्लोन ओवर दिस कॉइल, इट लॉसेज द हीट टू द कोल्ड रेफ्रिजरेंट इन साइड द एवापोरेटर कॉइल्स एंड गेट्स चिल्ड। चिल्ड एयर ब्लोन इन टू द रूम आर स्पेस बाई कूल्ड द ब्लोवर्स टू द डायरेक्ट ब्लोवर्स एंड रेफ्रिजरेंट लिक्विड आफ्टर अब्जर्व द हीट फ्रॉम वार्म एवापोरेटर द वेपोरेट इज ड्रॉन इन टू कंप्रेसर। कंप्रेसर द एवापोरेटर हायर प्रेशर एंड डिलीवर टू कंडेंसर एंड इट इज कंडेंसर टू द लिक्विड स्टेट। Condenser to the liquid state. This high pressure cold liquid refrigerant is collected in the receiver and throttled lower pressure by an extension valve. Lower pressure cold refrigerant enters the evaporator coil, absorbs the heat from the warm air, thus repeating the cycle. Right? यहाँ पे हमने देखते हैं राइट, यहाँ पे हमने देखे हैं, यहाँ से हमारा क्या होगा, एयर यहाँ से हमने लेते हैं राइट। पहले हमारे सर्किट को जान लेते हैं, कंडेंसर होते हैं, कंडेंसर रिसीवर में हमारा आया है, रिसीवर से हमारा एक्सपेंशन गया, एक्सपेंशन से एवापोरेटर में आया, एवापोरेटर का फिर कंप्रेसर में चला गया। ये अलग यूनिट है, इसका छोड़ के हमारा और एक तो कोल्ड स्टोरेज में रहता है। सपोज एयर हवा यहाँ पे लिया, एटमोस्फेरिक एयर हमारा 30 डिग्री रहता है, जब हमने एयर पास किया ओवर ऑन कूलिंग कॉइल, वो हमने कूलिंग कॉइल का थ्रू हमने पास किया है, तो कूलिंग कॉइल को थ्रू हमने पास कर देगा तो हमारा क्या होता है, कूलिंग कॉइल को थ्रू हमने पास किया जाए तो हमारा क्या होता है, हमारा जो एयर था वो हमारा टेम्परेचर हाई था, लेकिन वो टेम्परेचर क्या होगा हमारा घटेगा, टेम्परेचर घट के हमने इसको हमने कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, हमने ब्लोवर करके नहीं तो फैंस वगैरह हम लोग ने रह सकते हैं राइट। ब्लोवर्स थ्रू द डायरेक्ट ब्लोवर्स रेफ्रिजरेंट, ये हमारा ग्लोवर्स के थ्रू हमने इसको भेज सकते हैं, क्योंकि ये फैंस लगाना पड़े क्योंकि हवा यहाँ से खींच के तो लेके जाना है ना कोल्ड स्टोरेज का स्पेस में। तो जब हमारा स्टोरेज का स्पेस में जब जाएगा तो क्या होगा, हमारा जब हमारा स्टोरेज स्पेस में हमने जाते हैं तो यहाँ से ब्लोअर होके यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह लगाएगा नहीं तो बड़ा बड़ा फैंस लगाएगा, यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होते रहते हैं। हमारा कोल्ड स्टोरेज का अंदर में जाते हैं तो इस टोटली इंसुलेटेड वॉल्स को हमने इंसुलेशन भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कोल्ड स्टोरेज में अगर अंदर में गया है, लास्ट ईयर भी हम लोग गया है कोल्ड स्टोरेज पे, वो अंदर में स्टूडेंट्स गया था, स्टूडेंट्स भी ये चेक किया है क्योंकि अंदर में हम लोग कोई स्टील कॉम्पोनेंट्स यूज़ नहीं करते, सब वुड कॉम्पोनेंट्स जो बॉम्बू बोलते हैं हम लोग ने वो जो है वुड यूज़ करते हैं, क्योंकि वुड क्यों यूज़ करते हैं, वो जो है कूल ज़्यादा नहीं होता है। सपोज जो भी कोल्ड एयर आता है, अगर कोई भी हमने आयरन पार्टिकल जो भी स्टील पार्टिकल हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उसमें हमारा ठंडा ज़्यादा हो जाता है। इसका वजह से हमने क्या करते हैं, हमने इसको लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो उसका हमने बम्बू वगैरह इस्तेमाल करके लेयर बाई लेयर बनाते हैं, टॉप फ्लोर मतलब सेकेंड फ्लोर, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद तीसरा फ्लोर, ऐसा हमने यूज़ करते हैं। जो अभी गर्मी का सीज़न है, गर्मी का सीज़न में हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट्स को लेके जाते हैं, प्रोडक्ट्स को हमने उसमें हम लोग इसमें डाल सकते हैं, उसमें हम लोग मिक्स रह सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल्स हो गया, हमारा फिश हो गया, मीट हो गया है, ये कोल्ड स्टोरेज में ना एक बड़ा लंबा रहेगा। तो मेन हमारा कोल्ड स्टोरेज में जो हम लोग यूज़ करते हैं अमोनिया, हम लोग यूज़ करते हैं राइट, अमोनिया जो है हमारा यूज़ करते हैं, चीपली अवेलेबल रहता है इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो अमोनिया जो है या जो रेफ्रिजरेंट के रूप में हमारा वर्क करते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो हमको तो प्रोडक्ट को तो गैस तो नहीं बनाना है,
खाली तो वाटर एयर को हमारा कूल कर देना है, बस इतना तो करना है। तो हमने उसको तो कूल करने के लिए हमने इसको हमने यूज़ करते हैं, उसको तो खाली कूल करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, राइट, कोल्ड स्टोरेज में, राइट। ये जनरली हम लोग ने कोल्ड स्टोरेज में भी हम लोग ने कहीं पर हमारा प्रिजर्व करके रखना है वो चीज़ें, वो वहाँ पे हमारा कोल्ड स्टोरेज इंस्टॉलेशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एप्लीकेशन ऑफ PCR सिस्टम में हम लोग देखते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ PCR सिस्टम में हम लोग क्या क्या देखे हैं, तो पहले देखे हैं आइस प्लांट ट्रिक, नेक्स्ट हमने देखे हैं तो हमारा वाटर कूलर का ट्रिक, नेक्स्ट हमने पढ़ा है डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, नेक्स्ट हमने पढ़ा है कोल्ड स्टोरेज। राइट स्टूडेंट्स, ये है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी ये पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी हम लोग ने लेबोरेटरी में हम लोग इसका लेबोरेटरी में हमारा तीन का है, आइस प्लांट ट्रिक करना है, वाटर कूलर ट्रिक को फाइंड आउट करना है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हमने फाइंड आउट करना है। राइट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हम लोग ने इसको फाइंड आउट करना है। राइट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम को हमने फाइंड आउट COP हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो कोई भी हमारे PCR एप्लीकेशंस है, PCR एप्लीकेशन में हम लोग ने ये है हमारे PCR एप्लीकेशन में हम लोग ने कोई भी हमारा कोल्ड स्टोरेज लो, अगर कोई भी हमारा इसका आइस प्लांट लो, कोई भी सिस्टम फंक्शन इज द सेम, बट व्हाट प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग, व्हाट प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग, प्रोडक्ट्स क्या प्रोडक्ट अपने यूज़ कर रहे हो, आइस के लिए यूज़ कर रहे हो, कूलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, कोल्ड स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हो, मतलब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के लिए यूज़ कर रहे हो, तो प्रिंसिपल इज सेम इन एवरीथिंग, बट प्रोडक्ट जो हमने यूज़ करते हो डिपेंड अपॉन के हमें कोल्ड स्टोरेज बोल सकते हैं, आइस प्लांट बोल सकते हैं, वाटर कूलर ट्रिक बोल सकते हैं, ऐसा करके हम लोग ने इसको बोल सकते हैं। राइट, तो चिल्ड एयर ये है हमारा, इसमें हम लोग इसको बोल सकते हैं। राइट, तो ये है हमारा कोल्ड स्टोरेज। स्टूडेंट्स, इस ये है हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का, एग्जाम्स में ऐसा पूछ सकता है, ड्रा द नीड स्केच ऑफ आइस प्लांट टेस्ट ट्रिक एंड एप्लीकेशंस, नहीं तो इलस्ट्रेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज व्हाट आर द यूजेस ऑफ कोल्ड स्टोरेज, इस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है। राइट, हमने और कुछ भी पूछ सकते हैं, हमने एक्सप्लेन द डूज एंड डोंट्स ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का डूज डोंट्स क्या होते हैं, ये उसको हम लोग ने पूछते हैं। राइट, नेक्स्ट हमने कोल्ड स्टोरेज में क्या प्रिंसिपल हमने यूज़ करते हैं, कौन से सिस्टम यूज़ करते हैं, आप जब तो पूछ सकते हैं इन कोल्ड स्टोरेज सिस्टम, गैस सिस्टम इज यूज, PCR सिस्टम, VR सिस्टम, इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम एंड देन हमारा वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, ऐसा करके पूछते हैं। हम लोग इसमें हम लोग को बताना है PCR सिस्टम हमने इसको यूज़ करते हैं, PCR सिस्टम हम लोग इसको यूज़ करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, ये हम लोग ने इस टॉपिक को हम लोग ने देखे हैं, इस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राइट, तो जनरली हम लोग डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर को ज़्यादा सीखना है, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का हमारा डूस एंड डोंट्स, हमारा हॉलीडेज में जाने के बाद में क्या करना है, आने के बाद में क्या करना है, ये सारा हम लोग डिटेल्स हम लोग ने इसमें डिस्कस किया हुआ है। राइट, ये सारा आप लोग ने पढ़िएगा, एग्जाम्स में मे भी पूछ सकता है, तो लेकिन ये रियल लाइफ एप्लीकेशन में हम लोग कहीं भी जाएगा, तो यहाँ पे नहीं होगा तो हम कहीं भी जाएगा, तो ये हम सपोज आप बीटेक करने के लिए तो अपने जाएगा उसमें भी ये यूज़ होते हैं। राइट, कोई भी एप्लीकेशन अगर हम टेक भी करें तो एप्लीकेशन का PCR को चेंज कभी नहीं होगा, तो ये तो कॉमन है, ये तो यूनिवर्स है, कहीं भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, सिस्टम PCR सिस्टम का जो एप्लीकेशन है ये तो कहीं पर भी हम लोग पढ़ना ही है। राइट, ये हमारा एग्जाम, तो आप लोग अगर आपने जाते हैं किसमें, अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाते हैं ये PCR सिस्टम का अप्लीकेशन भी क्या क्या कहाँ पर यूज़ होता है, कोई इंटरव्यूज में भी जाते हैं इसमें हम लोग में पूछते हैं स्टूडेंट्स, ये आप लोग ने ध्यान से देखिएगा, ये कोल्ड स्टोरेज सिस्टम का भी हम लोग में जो भी अप्लीकेशन है इसमें, इस सारा हमारा इम्पोर्टेंस रहता है। ये है हमारा अप्लीकेशन, ये है हमारा अप्लीकेशन ऑफ PCR सिस्टम। राइट, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का हम लोग पढ़े हैं, तो सारा कुछ हम लोग पढ़े हैं, तो ये मेन हमारा चीज़ है। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी हम लोग ने सेम यूज़ करते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी हम लोग ने सेम यूज़ करते हैं। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में तो क्या है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में तो
यही VCR सिस्टम में रहता है, एवापोरेटर कॉइल जो रहता है हमारा, वो एवापोरेटर कॉइल जो है हमारा, वो जहाँ पे हमारा कूल एयर चाहिए वहाँ एक बॉयर लगा देते हैं, वहाँ से हमारा जो ठंडा हवा हमारा फेंकते हैं। जैसा हमारा आउटसाइड एयर लिया, यहाँ एवापोरेटर से कोल्ड एयर हमारा जा रहा है, सेम ऐसा रहे, लेकिन एवापोरेटर यहाँ पे बंच रहेगा, एक बंच ऑफ एवापोरेटर कॉइल्स रहेगा, इसलिए ठंडा एयर हमारा जाता है इस पर। स्टूडेंट इस लेसन से हम लोग एप्लीकेशन सब रेफ्रिजरेशन का VCR सिस्टम करने पड़े हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स।